चीन, जापान, हांगकांग सहित इन देशों के यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य, अपलोड करनी होगी कोविड रिपोर्ट। कई देशों में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के बाद से इन देशों से आने वाले यात्रियों को अब उन्हें यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया, 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कहा कि इन देशों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भारत आने से पहले 72 घंटे के भीतर परीक्षण किए जाने हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आवश्यकता भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के रैंडम 2% परीक्षण के अतिरिक्त है, भले ही वह किसी भी देश से भारत आ रहे हो। बता दें कि कुछ देशों में कोरोना वायरस के मामले में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने कोविड दिशा निर्देशों को कड़ा किया है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 268 नए कोरोना वायरस संक्रमण दर्ज किए गए हैं, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 3,552 हो गए हैं।